नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। कर्नल सोनाराम का दावा, वापस आया 1,00,000 करोड़ का काला धन। भाजपा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मोदी राज में विदेश से अब तक 1,00,000 करोड़ का काला धन देश में वापस लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के साल पूर्ण होने पर सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल ने ये बात कही। जब सांसद से पूछा गया कि काला धन कब वापस आएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए के करीब तो काला धन वापस लेकर आ गई है, लेकिन हम अभी तक बता नहीं रहे हैं। किरण रिजिजू बोले, मैं भी खाता हूँ गौमांस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गौमांस खाने का समर्थन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को करारा जवाब दिया है। अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री नकवी ने कहा कि बीफ खाने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस बयान को किरण रिजिजू ने अरुचिकर बताया। उन्होंने कहा, मैं बीफ खाता हूं और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं, क्या कोई मुझे रोक सकता है? हमें किसी के रोजाना के कामों से आहत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं जो रुचिकर नहीं होते। उड़ते विमान में गुल हुई इंजन की बिजली। सिंगापुर एयरलाइंस में सवार शंघाई जाने वाले यात्रियों के सांसें उस समय रुक सी गई जब खराब मौसम के बीच विमान के इंजन की बिजली कुछ देर के लिए चली गई। इस विमान में 194 लोग सवार थे। द स्ट्रेट्स टाइम्स समाचार पत्र ने बताया कि एयरबस A330-300 द्वारा संचालित उड़ान संख्या SQ-836 ने शनिवार को चांगी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 3.5 घंटे बाद जब विमान 39,000 फुट की ऊंचाई पर था, तब ये घटना हुई। विमानन कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से समाचार पत्र ने कहा कि दोनों इंजनों की बिजली कुछ देर के लिए चली गई थी और विमान चालकों ने इंजनों का सामान्य संचालन बहाल करने के लिए परिचालन संबंधी अन्य तरीके अपनाए।